हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग टेरोक्स पर ट्रिपल सिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम यही चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है ठीक है और आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूं सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को कैच करूंगी उसके बाद हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे आपको देखिए सब टैरो कार्ड रीडर्स अलग अलग कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और ये तरीका मेरा है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं क्लिनजिंग और जो भी प्रोसेस होता है कैंडल वैक्स रीडिंग का वो मैं कर चुकी हूँ ठीक है ये जो वाटर है वो मिनरल वाटर है ओके okay? शुद्ध वाटर और इसमें जो लीव्स वगैरह हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट तुलसी है नीम है और फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस रीडिंग को बनाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम <coughs> रीडिंग में जाने से बता दूं पहले कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे करती हूँ ठीक है मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो फुल रीडिंग मैं करती हूँ एक दो क्वेश्चन नहीं लेती आपके फुल रीडिंग यानी कि पूरी पूरी जानकारी आपको मिलेगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है आप इंडिया से हैं बाहर से हैं मनी ट्रांजेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम है कहीं से भी आप रीडिंग ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर आपको करियर की रीडिंग चाहिए तो वो मार्च से स्टार्ट होगी ठीक है तो उसका अलग प्रोसेस है वो मैं बता दूंगी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा या फिर मुझे आ, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कनेक्ट कीजिए वहाँ पे मैसेज कीजिए ओके तो ये छोटी सी जानकारी थी चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़ क्लिनिंग और सेजिंग वगैरह मैंने कर लिया है स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास टाइम रहे ठीक है चलिए आप दोनों की एनर्जीज को ले लेते हैं सबसे पहले बस बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनकी क्या एनर्जी है और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है सबसे पहले मेरे व्यूअर क्या क्या रिलेशनशिप में सोच रहे हैं क्या एनर्जीज है अच्छे <coughs> से शफल कर लेंगे मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपनी मेडिटेट करके थोड़ा सा ध्यान अपने पार्टनर की ओर लगाइए ठीक है ताकि आपका आपकी जो रीडिंग हो वो आपसे काफ़ी मैच करे ठीक है चलिए देखते हैं अपने पार्टनर को ध्यान में कीजिए ओके सबसे पहले इष्टदेव होते हैं तो उनको प्रार्थना कीजिए ठीक है उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ओके वो कैसे लगते हैं क्या बातें करते हैं कुछ अच्छी मेमोरीज ओके चलिए देखते हैं मेरे जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी दीजिए चलिए हम इस तरह से ले लेंगे एंजल ऑफ लव ओके मैन होल्डिंग अ क्वाइन ओके ये आपकी एनर्जी है यानी कि मेरे व्यूअर की और आपके पार्टनर की एनर्जी ले लेते हैं हम। इन और एक और लूंगी मैं एंड ओके ठीक है बॉटम में देखिए आर्केंजल राफेल नंबर थर्टी एट है यहाँ पे ओके यहाँ में नंबर फोर्टी नाइन है फोर्टी थ्री है नंबर एट है नंबर ट्वेंटी है ये किसी की एज हो सकती है या फिर ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ध्यान दीजिएगा ओके देखिए मुझे लगता है कि <coughs> मेरे जो व्यूअर हैं ना बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे लगता है कि इनको अपनी लाइफ में किसी का प्यार चाहिए डेफिनेटली इन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं आपने यानी कि मेरे व्यूअर नहीं और देखिए नंबर फोर्टी नाइन है ठीक है आ, यहाँ पे ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन एंजल ऑफ लव आपके साथ है यानी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है कुछ नया कर रहे हैं आप ट्रुथ बताना चाहते हैं ऐसा मुझे आपके कार्ड से नजर आ रहा है ठीक है सच सच बोलना चाहते हैं किसी को अपनी मन की बात ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम में भी हमारे पास हार्ट चक्र का कार्ड है कोई खुल के बात करना चाहता है दिल की बात बताना चाहते हैं आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है ठीक है और मैन होल्डिंग अ कॉइन कहीं ना कहीं आप किसी दोस्त की सलाह ले रहे हैं कोई आपका एडवाइजर है कोई दोस्त है आपका जिसकी सलाह ले रहे हैं और ये ना सिर्फ आपके वर्क प्लेस पर होगा या फिर आपके कुछ ना कुछ आपका इनसे बहुत ऐसा संबंध है जैसे कि आप इनकी गाइडेंस मानते हैं या फिर आप आप इनको एज ए बिज़नेस पार्टनर या फिर कलीग मानते हैं तो इस तरह की एडवाइस कोई आपको दे रहा है और ये बहुत अच्छा इंसान है और डेफिनेटली अगर आप इनकी राय मानते हैं ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं आप शायद अपने पार्टनर की एनर्जी को कैच करें कि यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा मतलब आप उनके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं ऐसा मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपके पार्टनर के बारे में ठीक है या फिर आपका कोई और हो सकता है जिसकी एडवाइस आप ले रहे हैं ठीक है अपने रिलेशनशिप के बारे में ओवरऑल देख हूं, तो आप अपनी ग्रोथ की तरफ अपनी जिंदगी में नयापन लाने की तरफ आपका ध्यान है ठीक है uh, आपके पार्टनर की क्या क्या एनर्जीज है नंबर एट डेफिनेटली ये एक दो राहे पर खड़े यानी कि कोई डिसीजन लेना है पर डिसीजन ले नहीं पा रहे यहां पे एनबी का भी कार्ड है इनको लगता है कि जो दूसरों के पास है वो इनके पास क्यों नहीं ये फिर इनसिक्योरिटीज़ की भावनाएं इनके भी डेफिनेटली डेवलप हो रही है क्योंकि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो उनको लगता है कि दूसरों की लाइफ से कहीं कम है ठीक है औरों की लाइफ में झांकना, औरों की औरों की चीज़ों को देख के कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया मतलब इस तरह की सिचुएशन मतलब थोड़े से डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट में जो आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है ठीक है ये किसी बात को लेकर बहुत दुखी है या तो इनका पास्ट गलत है या पास्ट में डिसीज़न इन्होंने गलत लिए हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है और डेफिनेटली ये किसी ऐसी एनर्जी में है इन डिसीज़न में ठीक है यानी कि कन्फ्यूजन माइंड में है कि क्या किया जाए इनको समझ नहीं आ रहा अब ये जब जब ऐसी भावनाएं आप नेगेटिविटी में आए हुए हैं अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो आपके जो पार्टनर हैं इन डिसीजन की स्थिति में यानी कि दो दो चॉइस में से एक को चूज़ नहीं कर पा रहे और नेगेटिव माइंड होता जा रहा है इनका ठीक है इनको लगता है कि जो इनके पास है बहुत कम है और दूसरों के पास काफ़ी अच्छा है ठीक है और इनको भगवान ने क्यों नहीं दिया इन ये भी लगता है कि जो जिस तरह से लोग प्रोग्रेस uh, कर रहे हैं अपने लव को लेके अपने प्यार को लेके या फिर अपनी अपनी ग्रोथ को लेके उस तरह से इनकी लाइफ में क्यों नहीं है तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज थोड़ा सा जेलस की भावना मुझे यहाँ पे लग रही और और आपकी न, आपकी है ठीक है ओवरऑल आपके जो आपके जो पार्टनर हैं उनका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आप कैंडल वैक्स ओके ओके गाइज स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स में क्या आता है जैसे कि आप सभी जानती हैं इंटूटिव रीडिंग होती है तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा ओके वेट अ मिनट ओके okay गाइस देखते हैं क्या आता है आपके लिए <coughs> <coughs> देखिए आपका इनका साइन या तो पाइसिस है ठीक है और मुझे एक्वेरियस नज़र आ रहा है ठीक है इसके अलावा कोई कैंसर हो सकता है और लियो भी मुझे कोई नज़र आ रहा है ठीक है इसके अलावा जनरल रीडिंग है इसलिए साइंस में मत जाएगा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ <coughs> देखिए बहुत से लोग यहाँ पे देखिए या तो कोई मैरिज या पार्टी फंक्शन अटेंड करके अभी रिसेंटली आए हैं डेफिनेटली कोई शादी है पार्टी है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है ठीक है और मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत सैड से नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि देखिए इनडिसीजन की स्थिति इनकी थी ठीक है या तो ये या फिर आप किसी न किसी फंक्शन से आए हैं ठीक है इनके नाम में जरूर एम आता होगा एन आता होगा ठीक है मुझे कुछ कुछ के लिए टी भी लग रहा है ठीक है यहां पे डी ओ सी देखिए बहुत से लोगों को बर्ड्स दिख रही होगी ठीक है बर्ड्स बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट साइन होता है ठीक है बहुत से लोगों के लिए बर्ड दिख रही है ठीक है आप कहीं ग्रीनरी में हैं, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है ठीक है या तो अपने गार्डन में अभी फिलहाल किसी ना किसी ग्रीन चीज को आप कैच कर रहे हैं यानी कि कोई चीज़ है आपके हाथ में ग्रीन कलर की ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है ठीक है या फिर कोई पैट बर्ड आपके पास है कोई पैरेट हो सकता है बर्ड हो सकती है ठीक कोई सी भी बर्ड ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है ठीक है <coughs> ओके okay. मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के जो पार्टनर हैं बहुत दुखी हैं क्योंकि इनको एक ऐसा माइंडसेट होता रहा जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिविटी ये नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ नेगेटिविटी इनके अंदर घर कर गई है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ ठीक है ये चाहते हैं नेगेटिविटी को छोड़ना आगे बढ़ना इसीलिए मुझे लगता है कि या तो कहीं ऐसी जगह इन्जॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ किसी गार्डन में है जाने का मतलब इनकी इच्छा ऐसी होती है कि कहीं ऐसी जगह जाया यानी कि ट्रैवलिंग की जाए या तो हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल करके आए हैं रिसेंट ऐसा भी हो सकता है और मुझे लगता है कि ये ट्रैवलिंग के दौरान आप ही को मिस करें बहुत ज़्यादा मिस करें और ये कुछ बातों में जो इनका इन है यानी कि दो चॉइस इनके पास है और ये बहुत आपको चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए लेकिन क्या स्टेप ले इनको समझ नहीं आ रहा ठीक है देखिए अभी फुल मून रिसेंटली गया है तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत से लोगों पे उसका इम्पैक्ट है ठीक है ये नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं लेकिन स्लो एनर्जी में है ठीक है ये दिन रात रात दिन आप ही को याद कर रहे हैं और डेफिनेटली अभी क्या सोच रहे हैं तो इस इस कनेक्शन में आगे कैसे बढ़ना है ये सोच रहे हैं मुझे लगता है कि किसी किसी में लव ट्रायंगल भी हो सकता है किसी की थर्ड पार्टी है ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है लेकिन जो भी है ये इंसान आपको पाने के लिए इनकी डिज़ायर्स बहुत हैं आपके प्रति इनका अट्रैक्शन आपके प्रति इनकी जो सोच है वो पॉजिटिव होती होती जा रही है और ये नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं कोई है जो कि इनको बहुत बांधा हुआ फील करता है ठीक है जस्ट लाइक डेविल एनर्जी ओके बहुत से लोग आपसे बात करेंगे आज डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत से लोग टेक्स्ट में मैसेज करना चाहते हैं आपको लेकिन ये बहुत डर सा महसूस हो रहा है इनको मून की एनर्जी जैसे कि मैंने बताया है सबसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर मून बना हुआ है अगर आप आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है यहाँ पे बहुत से लोग डर रहे हैं किसी बात से ठीक है थर्ड पर्सन है मदर भी हो सकती हैं क्योंकि मून की एनर्जी स्टार्टिंग में आई है ठीक है यहाँ पे इन डिसीजन शायद हो सकता है कि इनकी मदर कोई है जो कि इनको और भी कुछ आ, बताना चाहती है मतलब माइंड में देखिए यहाँ पे आ, चक्रास नज़र आ रहे हैं मुझे एक्चुअली ये जो आ, वैक्स होती है चक्रास को आ, बहुत सारे चकराज नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है कि या तो कुछ बोल नहीं पा रहे अपने पेरेंट्स के सामने और इनकी ये हालत है कि आपको मिस भी बहुत करें आपको इन दोनों इनकी जो एनर्जी है बहुत बहुत आपको आपके लिए पॉजिटिव सोच रही है लेकिन नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकले इनको समझ नहीं आ रहा ठीक है बहुत से लोग यहाँ पर आपसे कॉल या मैसेज करने बात करना चाहते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपना डिसीज़न है या कोई मन की बात बताना चाहते हैं अगर आपसे कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो मुझे रीडिंग में ज़रूर बताइएगा <laughs> बार बार देखिए मुझे ट्रैवलिंग सुनाई दे रहा है यानी कि मुझे लगता है कि या तो आप ट्रैवल करके आए हैं या फिर आपके पार्टनर ट्रैवलिंग से बाहर आए ये डेफिनेटली बहुत बहुत इम्पॉटेंट ये ट्रेवलिंग है यानी कि कोई बिजनेस ट्रिप हो सकती है कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करके आए हैं या फिर कुछ भी है इनको काफ़ी कुछ अपने जीवन में अच्छा मिल रहा है लेकिन कमी है तो सिर्फ आपकी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मुझे बार बार लग रहा है कि आपसे कॉल या मैसेज पर बात करना चाहते हैं आपसे मिलने की एनर्जी बहुत आ रही है और ग्रीनरी मुझे लीव्स दिखाई दे रही है बहुत करके दो तो ये शायद हो सकता है कि कहीं ग्रीनरी में रिसेंटली या कोई गार्डन में बैठा है कोई किस तरह से बैठा है आई डोंट नो बट यहाँ पर लीव्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और थ्री नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि लीव्स थ्री की शेप में <laughs> कन्वर्ट हो रही है ओके देखिए बहुत से लोगों का साथ, एक साइकिल खत्म होकर दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके लिए और डेफिनेटली अट्रैक्शन तो है ही यहाँ पे इनकी रात दिन दिन रात आप के लिए फीलिंग्स है और डेफिनेटली अभी क्या सोच रहे हैं तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए किस तरह से एक मीटिंग फिक्स की जाए मैंने बहुत से लोगों की पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो भी मुझे यही फील होता है कि आप दोनों को बैठ के बात करनी थी और ये आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरह की एनर्जी में मुझे बार बार थ्री नंबर दिखाई दे रहा है आप में लव ट्राइंगल हो सकते हैं कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण ये बंधे हुए हैं ठीक है थीके? ये बहुत ज्यादा डेविल एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं लेकिन ये आ नहीं पा रहे ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है ठीक है ये चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं ठीक है एम्परर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे ये अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को अपने ढंग से करना चाहते हैं अगर आप इनको राय भी देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी राय को मानेंगी क्योंकि यहाँ पे एक एम्परर की एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप में अपने ढंग से करना चाहते हैं इनको लगता है कि जो चीज़ें इनको सही लगती है उसी तरह से काम होना चाहिए ठीक है ओवरऑल देखें तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये या तो एक या दो दिन में आपसे मिलेंगे और आपसे कुछ स्पेशल बातें हो सकती हैं कन्वर्सेशन हो सकती है बहुत लोग जो हैं रिसेंटली मैं ये नहीं कहती कि नो कांटेक्ट है लेकिन किसी वजह से आप में लेस कांटेक्ट बना हुआ है ठीक है कुछ मनमुटाव है बात नहीं हो रही और ये क्लियरिटी आपको नहीं दे रही कि क्या चीज़ है और आपके मन में दुविधा बढ़ती जा रही है आप लोगों से राय ले रहे हैं लेकिन ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत बहुत आपकी आपको मिस कर रहे हैं एक्चुअली <laughs> इनको या तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए बहुत और ये नाइट में भी बहुत देर तक नहीं सो पाते होंगे क्योंकि इनको आपकी याद आती है इनका कोई पास रह चुका है जिससे हील होना चाहते हो डेफ़िनेटली आपसे बात करना आपसे आपके साथ रहना इनको बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है ठीक है बहुत से लोगों की कोई जर्नी भी है लेकिन जर्नी मैं यहाँ पे क्यों नहीं बोलती क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग रेयर होते हैं जो कि ये जनरल रीडिंग है इसमें हो सकता है कि हो भी और नहीं भी है ठीक है ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में बोलना मैं सही नहीं समझती ओके लेकिन मुझे दिखाई दिया तो मैं बोली <clears throat> आपके पार्टनर ने कुछ न कुछ व्हाइट पेन रखा है ओके okay? इनकी बहुत पावरफुल एनर्जी है इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत चेंजेस यानी कि फुल मून के बाद जो इनकी एनर्जी चेंज हुई है उसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर कह लें सिग्निफिकेंट इनकी विचारधाराएं बदल रही है डेफ़िटली चेंजेस से गुजर रहे हैं मुझे लगता है कि किसी पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये डर जो है इनके सिर्फ एलूजन्स हैं अगर ये खुल के बात करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सही कर लेंगे ठीक है मुझे लगता है कि जो भी डर है उसको भगाने के लिए इनको हिम्मत चाहिए और डेफिनेटली आपकी याद आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इनको मिल रही है ठीक है और ये कहीं ना कहीं देखिए सोल टू सोल कनेक्ट कनेक्शन भी मालूम होता है क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी थी कुछ ना कुछ आपसे इमोशनली कनेक्टेड है जिसके कारण ये बहुत बहुत आगे तक सोच रहे हैं आपके लिए और डेफिनेटली ये कुछ न कुछ एक्शन लेंगे और मुझे आपको बताने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की रीडिंग किस किस से मैच हुई और डेफिनेटली ये कॉल या मैसेज जरूर करेंगे अभी क्या सोच रहे हैं तो अभी से आप मीटिंग की सोच रहे हैं आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है ठीक है अगेन मुझे स्टार की एनर्जी लग रही है देखिए वैक्स जो है स्टार के रूप में कन्वर्ट हो रही है मुझे लगता है कि रिकन्सलेशन होने वाला है बहुत से लोगों का ठीक है और बहुत से लोगों की कॉल पे बात हो सकती है ठीक है इनको लगता है कि आप बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आप एक ऐसे ऐसे मोड़ा ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना है ठीक है बहुत से लोग काफ़ी अच्छी एज के हो गए हैं और इनको अपनी लाइफ में सेटल होना है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर डेस्परेटली आपके लिए आपके लिए तड़प रहे हैं ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी ठीक है बहुत मिसिंग एनर्जी बार बार आ रही है ओके okay, लास्टली मुझे नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखी ये कुछ ना कुछ आपके लिए डेफिनेटली <laughs> कुछ एक्शन ले रहे हैं ठीक है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप ये कॉल या मैसेज करेंगे ठीक है एक लास्ट मैसेज और लेंगे हम यूज बताएं एक लास्ट मैसेज <laughs> ओके okay. अगेन जो लास्ट मैसेज है मुझे आपसे कॉल या पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी आ रही है इस यहाँ पे बहुत से लोग आपसे मीटिंग करना चाहते हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं आप किस हाल में हो क्या कर रहे हो ये सब स्टॉक कर रहे हैं आपको भयंकर रूप से ओके okay? तो ये थी आज की रीडिंग आपसे कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज कैंडल वैक्स रीडिंग आपको किस तरह से लगी ठीक है ओके कितने लोगों से मैच हुई कैंडल वैक्स रीडिंग ये ज़रूर बताइएगा और आप अगर मेरे चैनल पर नए थे तो आपको सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी देना है और अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा उस पर कनेक्ट कीजिए मुझे और मैसेज कीजिए सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तो ये थी आज की रीडिंग कुछ भी पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल सी यून मई नेक्स्ट रीडिंग बाय गाइज़